झटका, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। इनके नाम की चर्चा कल ही थी बाजार में, लेकिन एक एक करके एक मंत्री ने 11 तारीख को इस्तीफा दिया, एक मंत्री ने 12 तारीख को दिया, और एक मंत्री कह रहा है कि 14 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने और इस्तीफा दे दिया है, दारा सिंह चौहान। और यह भी खबर आ गई है कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे दारा सिंह चौहान। इस बीच एक बड़ी खबर है भारत समाचार पर, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है मंत्रिमंडल से। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेंद्र जी, कल एक विकेट गिरा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया, और आप दारा सिंह चौहान, दोनों बड़े नेता हैं। देखिए, ये बात की कल ही आशंका जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ के लोग हैं, कुछ और लोग इस्तीफा दे सकते हैं जी। और आज दारा सिंह चौहान ने, वन और पर्यावरण मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो स्वाभाविक है कि जो बीजेपी में ओबीसी समाज और दलित समाज के नेता थे, वो लगातार अब पार्टी छोड़ रहे हैं और सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। ये बीजेपी के लिए नुकसान भरी खबरें हैं, और उत्तर प्रदेश में ये लोग अब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। 14 तारीख को इन सबको अखिलेश यादव के साथ पार्टी ज्वाइन करना है। तो ये स्वाभाविक है कि ये जो लड़ाई है राजनीति में, ये पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ लामबंद होता नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में 54% वोट पिछड़ा वर्ग का है, और वो जिसके साथ रहता है वो उसकी सरकार बनाता है। अब दारा सिंह चौहान, स्वयं प्रसाद मौर्य दो मंत्री हो गए जिन्होंने सरकार में 5 साल रहे, और उस पर आरोप लगाकर आरक्षण के साथ खिलवाड़ की बात, नौजवान किसान की बात कहकर, बेरोजगारी की बात कहकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों में एक आध और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि जो स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ विधायक आए थे और नेता आए थे, उन पर बीजेपी को नजर रखनी होगी कि वो अगला उनका कदम क्या है, क्योंकि ये एक एक करके ये चुनाव के जब आचार संहिता लग गई है, तो ये जब स्वामी प्रसाद उनका नेता उनके आगे बढ़ गए हैं, तो ये उनके साथ उनका अनुसरण कर सकते हैं। तो दारा सिंह चौहान मऊ जिले से आते हैं, मधुबन विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। वो पहले बीजेपी में SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष रहे, मायावती की सरकार में भी वो मंत्री रहे, और अब वो आज इस्तीफा देकर अब वो समाजवादी पार्टी में स्वाभाविक रूप से जाएंगे। तो ये सियासत में बीजेपी के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। हालांकि आज उन्होंने सपा के एक विधायक को तोड़कर अपने यहाँ मिलाया है फिरोजाबाद के, लेकिन जिस तरह से ये जो बड़े नाम है, इन लोगों ने मिलकर 2017 में सरकार बनाई थी, उस समय एक माहौल बना था, एक हवा बनी थी, जब ये नेता बड़े बड़े नाम आ रहे थे बीजेपी में। अब आज ये लोग जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हवा खिलाफ हो जाएगी, माहौल खराब होगा, और इससे वोटिंग पर असर पड़ेगा। वीरेंद्र जी, मेरा दो सवाल आपसे है। कल जो स्वामी प्रसाद मौर्य का लेटर था, उसी से मिलता जुलता लेटर दारा सिंह चौहान का है, और दारा सिंह चौहान तो उन नेताओं में थे जिसे खुद अमित शाह ने ज्वाइन कराया 2015 में, और ये भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी से जाना किस तरह का संकेत है, क्योंकि कल स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए और आज दारा सिंह चौहान, वही जिक्र जो कारण उन्होंने बताया अपने लेटर में, वही कारण दारा सिंह चौहान ने भी बताया है। देखिए, ये लेटर सारे हो सकता है एक ही जगह लिखे जा रहे हो, अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन बात ये है कि जो नेता या मंत्री आज पार्टी छोड़कर या सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं, हाँ, जा रहे हैं, इनकी जो तकलीफ है, इनकी राष्ट्रीय स्तर पर इनको पार्टी के संगठन पर ज्यादा इनको समस्या नहीं थी। हाँ। ये इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि इनको काम काज करने नहीं दिया गया, इनकी उपेक्षा हुई सरकार में। ये असली इनका ये दर्द है। तो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या JP नड्डा हो, इन लोगों के साथ ये लोग लगातार कोशिश करते रहे कि बातचीत को रास्ता बनाया जाए और सबको सम्मान मिले ओबीसी समाज को।
क्योंकि वो बीजेपी ने इनको अपनी पार्टी में लिया तो सम्मान भी दिया, टिकट दिया, पद दिया, मंत्री बनाया, लेकिन जब सरकार बनी उसके बाद से इन लोगों के साथ असहजता शुरू हुई और ये अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। दारा सिंह चौहान मऊ जिले से आते हैं, बिल्कुल संयोग से देखिए कि मऊ जिले से अरविंद कुमार शर्मा भी आए थे जो मंत्री हैं, और मऊ जिले से उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं। ये सारे लोगों को निश्चित ही पता होगा देश की सियासत में ये लोग प्रभावशाली नाम है। प्रधानमंत्री से लेके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी संगठन तक इनकी पहुंच है। इनका दर्द लोग जानते होंगे। अब इसका हल समय पर नहीं हो पाया ये अलग बात है, इसी वजह से आज ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन ये सब समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव को जो लोग हल्का समझते थे, जो समझते थे वो सरकार नहीं बना पाएंगे, वो माहौल बनाने में कामयाब हो गए हैं। वो ओबीसी लीडरशिप को जोड़ने में अपने साथ कामयाब हो गए हैं, वो अपने गठबंधन को जोड़कर रखने में कामयाब है। उन्होंने एक साथ कई खूबियों का परिचय दिया है, वो छापों से बेफिक्र हैं। उन्होंने तमाम छापे पड़े लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज किया और अपना सियासी कुनबा बढ़ाने में और मजबूत करने में वो जुटे रहे। तो वो एक ऐसे समझदार नेता के तौर पर सामने आए जो बीजेपी के बहुत बड़े संगठन के सामने चट्टान की तरह खड़ा है, और उनके गठबंधन में जितने नेता आए उनमें से एक भी टूटकर बीजेपी के साथ नहीं गया। तो ये उनकी ताकत बन रही है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी में जितने बड़े नेता हैं, जितने चाणक्य के स्तर के लोग हैं, वो पूरे मनोयोग से या तो उनको नहीं रोक पा रहे हैं, या क्या कारण है कि बीजेपी चुनाव को उत्तर प्रदेश में हल्का करकर लड़ रही है, या उसको इस बात का भरोसा है कि मोदी के नाम से चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव पार हो जाएगा। ये सब उनके रणनीतिकार अपना अपना आकलन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि वो भी सी बहुत बड़ी संख्या में वो समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हो गया है। जी वीरेंद्र जी, इलेक्शन के ठीक पहले दो कैबिनेट मिनिस्टर का चले जाना और ये आरोप लगाना कि वो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम तो कर रहे थे पर वो सम्मान नहीं, दोनों अपने आप में बड़े नेता हैं, बार बार एक तारीख का जिक्र भी हो रहा है, 14 तारीख का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ लोग और पंक्ति में है? बिल्कुल पंक्ति में है, और बीजेपी देखे कि अभी इनके साथ कौन लोग आए हैं जो लाइन में हैं। क्योंकि जिन लोगों ने सरकार में रहे वो, और दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, कोई सरकार से लड़ना नहीं चाहता, सियासी लोग चुप मारकर बैठे थे, अब आचार संहिता लगी उसका इंतजार था, अब लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, मंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये उनके साथ अभी और लोग होंगे। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कल चैलेंज किया कि अब बीजेपी को पता चलेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चीज है, ऐसे ऐसे तोप के गोले दागूंगा कि लोग झुलस जाएंगे, तो ये जो उनका कल कॉन्फिडेंस था वो आज एक बड़े मंत्री के तौर पर इस्तीफा दारा सिंह चौहान का, ये दर्शाता है कि इन लोगों की बातचीत थी, और कई लोगों के विकेट और गिर सकते हैं, कई और मंत्री भी छोड़ सकते हैं सरकार में अपना पद। तो ये जो यूपी की सियासत है ये करवट बदल चुकी है, एक बहुत बड़ी संख्या विपक्ष की में जा चुकी है अखिलेश यादव के साथ, बड़े बड़े दिग्गज नामों की। बीजेपी बड़े नामों को लाने में अब इस समय पर कमजोर है, उसके पास कोई बड़ा नाम वो अभी तक तोड़कर नहीं ला पाई है। ये लोग वो हैं जो अपनी सीटें जीतते हैं, अपने समाज की बात करते हैं और स्वीकार्य लीडर हैं। अब इनको आप अगर कहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अंधकार का नाम है या इनकी कोई हैसियत नहीं है, तो ये सिर्फ एक ऐसा है कि ये मुगालता पालना होगा। सियासत में जो चार चार पांच पांच छह छह बार विधायक रहा हो, बिल्कुल सही बात है, एक हैसियत होती है। और इन्हीं लोगों ने 2017 में बीजेपी के लिए माहौल बनाया था, ये सब ताकत बने थे, और बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की तरह चढ़कर विधानसभा पहुंची थी 325 सीटों से। वो तूफान, वो आंधी, वो जज्बा इस बार नहीं दिख रहा है। इस बार सिर्फ सहारा है तो मोदी और योगी के नाम का। तो ये जितनी मेहनत कर सकते थे इन्होंने किया, अब कोरोना काल आ गया, अब कैसे संवाद किया जाए, अब मंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ होती जा रही हैं। अब वो कैसे इसको डैमेज करेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव अभी 10 फरवरी से है, अब ये देखना होगा कि बीजेपी कौन सा चमत्कार करती है। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे स्टेटेड वीरेंद्र सिंह ने कई अहम जानकारियां दी हैं। ये देखिए